हरगांव थाना क्षेत्र नगर में अपनी पुत्री अवनीत कौर की शादी सिख रीति रिवाज से अमनजीत सिंह पुत्र सरदार जगजीत सिंह निवासी हरगांव गंज थाना हरगांव जिला सीतापुर के साथ धूमधाम से की गई थी। विवाह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जेवर, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और नगद रुपए को मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का दहेज दिया था। विवाह के एक सप्ताह के बाद में मेरी पुत्री को पति अमनजीत सिंह, ससुर जगजीत सिंह, सास कुलवंत कौर और ननंद कोमल दहेज की अतिरिक्त मांग करते हुए एक कार और सोने के गले की चैन की मांग करने लगे। प्रार्थी की आर्थिक हालत ठीक ना होने के कारण उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं कर सका। पुत्री के ससुराल वाले उसे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे और मेरी पुत्री लोकलाज व समाज के लिहाज करते हुए सब कुछ सहन करती रही। हम लोग भी इस उम्मीद में रहे कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन गुरुवार की रात में पुत्री के पति, ससुर, सास, ननंदे हमारी पुत्री रवनीत कौर की मारपीट करके हत्या कर दी। शुक्रवार को सवेरे सुबह लगभग 4:30 बजे मेरी छोटी बेटी हरमन कौर के मोबाइल पर सूचना दी कि भाभी की तबीयत खराब है, उनको लेकर हरगांव सीएचसी अस्पताल ले गए हैं। जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि डॉक्टरों ने मेरी बेटी को मृत घोषित कर दिया। घर वालों का आरोप है कि मेरी पुत्री के गले पर, पीठ पर चोट के निशान थे और होंठ पर खून का निशान था तथा उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। वहीं त्रिलोक सिंह अपनी बेटी के साथ हुई घटना की सूचना हरगांव थाने में दी। हरगांव थाना प्रभारी ब्रिजेश त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपकी लड़की के साथ कैसे क्या हुआ? ये सर ऐसा कि मैंने अपनी बेटी की शादी 26 अप्रैल 2020 को जो है अपने सामर्थ्य अनुसार दहेज दे करके जो है अच्छा खासा दहेज दे करके किया था और उसके बाद जो है उस परिवार में बेटी जाने के बाद जो कुछ उनका शुरुआती दौर से ही अनबन होने लगी और आपसी जो है घर में उनका कुछ कलह होता होगा जो भी है कुछ जानकारी भी मिलती है और वो दहेज के लोग ही होने के नाते जो है वो प्रताड़ित करते हैं लड़की को दहेज और लाने के लिए। हम मामा की तरफ से बोल रहे हैं और उन्होंने जो है अब कल हमें सूचना आज सुबह सूचना मिली है मुझे आज कि वो जो है बेटी को अस्पताल ले गए हैं और हम गए वहाँ तो मैंने लड़की को देखा और मृत पाया।